हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा कलाम के जय मानवास। देखिए आज संडे है तो आज इतना कुछ वीडियो का ज़रूरत नहीं था, लेकिन डेली एक वीडियो सबको चाहिए। इसके लिए मैं आज आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर बताऊंगी संडे के दिन। हमारी बॉडी वाला शख्स हमारे लिए नरसिंह माता का, जो हमारी बा बताती है। अगर कोई भी काम किसी को कुछ करना है कि कोई भी काम अटके नहीं, किसी भी काम में हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो संडे के दिन शाम को 5:15 बजे या 6:15 बजे, कोई भी दिन, कोई भी समय पे, संडे के दिन या मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, लेकिन ज़्यादातर संडे का बहुत मायने रहता है वीरों के लिए, बॉडी वाला वीर। अगर आप एक सिगरेट और 5 अगरबत्ती, एक सिगरेट और 9 अगरबत्ती लगा दे किसी भी साफ जगह पे, ज़रूरी नहीं मंदिर पे, साफ जगह पे लगा दे। जहाँ से पीते हैं सिगरेट को, उसको उल्टा रखें, उसको उल्टा रख के जला के ऐसे रख दीजिए। देखिएगा 2 मिनट में वो सिगरेट ख़त्म हो जाएगी। और उस अगरबत्ती को यहाँ रख दीजिए और एक देसी दारू की 50-60 रुपये की बॉटल लाती है, उसको उसी जगह साफ जगह पे उड़ेल दीजिए। बोली बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नरसिंह माता, मेरे काम कर दो। देखिएगा आपका काम ज़रूर 100% हो जाएगा। और ये मैं बड़वाग सिंह का और भी बहुत सारे मैंने साधनाएँ डाली हैं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं सबको ये बोलूँगी, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, मेरा मजाक उड़ाने से मेरा मजाक नहीं बनेगा, या मुझे उल्टा बोलने से मेरे को बातें नहीं लगेंगी। या आपका ये चरित्र आपकी परवरिश बताती है कि आप लोग किस परवरिश में पले हो, जो आप लोगों को ऐसी बातें आ जाती हैं, है ना। जब जिस चीज़ का नॉलेज नहीं, आपको मालूम है बड़भाग सिंह की शक्ति के साथ सात रानियाँ, 7 बहनें हैं, जो उनका करवाते उनको सबको शक्ति मिलती है। ये हमारे से एक गुरप्रीत सिंह करके एक लेडीज़ थी जिन्होंने करवाया था, यूके में रहती थी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने तो अपने पूरे ससुराल वालों को ख़त्म करने की बात करी थी। अभी फ़िलहाल तो झूठ ऐसे नहीं, मुझे ऐसे लोगों की पोल इसलिए खोलनी पड़ती है कि लोगों ने सबको, मतलब अपने घर को बचाने के लिए सबका ठेका ले लेता मारने के लिए, है ना। उनको हम एकाक जन का कहते ना, मारण क्या, इन्होंने सबके लिए वो कर दिया था। लेकिन ये था कि देखिए उनमें से एक दो जन का हुआ, लेकिन जिनका नसीब नहीं है वो नहीं, हम लोग दिमाग का कचरा मारते, ऐसे नहीं करते। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ किया था कि उनका पति सिर्फ उनकी बात सुने करके उन्होंने सबका सफाया करने का बात किया था। हालांकि मेरे पास पूरा उनका डेटा पड़ा है, कभी कभी वो मुझे कॉल कर मैसेज करती हैं, करती हैं, ऐसे हमने काम के पैसे लिए हम काम करते हैं, लेकिन आप बोलेंगे पूरे परिवार को ख़त्म करो, सब करेंगे, हमारे पास पूरा डेटा पड़ा है। हमने उनका बहुत कुछ अच्छा किया, यहाँ से कड़ा पहुँचाया, यूके तक कड़ा पहुँचाया, बाका कड़ा ना 2-3 जनों को गया है। एक और जगह गया ऑस्ट्रेलिया में, गुरदीप सिंह करके एक गुरप्रीत थे, और एक गुरदीप सिंह करके और मनमीत करके, क्या बोलते हैं, मंजीत सिंह करके, इन लोगों को बकायदा कड़ा गया है, सब कुछ गया, उन्होंने कड़े की वैल्यू नहीं की है। पता है आपको, कड़ा यहाँ से यूके तक गया है। आज ये कड़ा मैंने पहना है, मैं सेफ हूँ ना, वो लोग भी सेफ है, लेकिन ये बात समझते नहीं है। इन लोगों को तब समझ में आएगा ना, अब इन लोगों पर भारी होने वाला है। क्यों, कल रात को ही जिस तरह से शक्तियों ने सपने में आके कहा है कि जो भी माँ, जो भी शक्तियों का अपमान कर रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग जो शक्तियाँ देते हैं ना, शक्तियाँ आपके लिए एक्टिवेट कर रहा है, कितने लोग एक्टिवेट करवाते हैं, शक्तियाँ आपके लिए गिफ्ट डिसाइड करती हैं, वो गिफ्ट डिसाइड करने के बाद वो आपका काम है लेना, सब लोग करते हैं। लेकिन जो लोग इसका अनादर करते हैं ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शक्तियाँ बकायदा उनका बैंड बजाती हैं। मैं यहाँ पर आई थी 4 तारीख को सुबह, अमावस्या के दिन, 14 तारीख, परसों होने वाला है 10 दिन, है ना, 10 दिन, मतलब 15 तारीख के अंदर, देखिए परसों 15 तारीख को होगा स्वामी समर्थ का रुद्र मतलब दूध से अभिषेक। मैं देखना चाहती, मैंने कहा था ना, जिसने मेरी यात्रा रोकी है, जिसने मेरी माँ का श्रृंगार होने से रोका है, 10 दिन में उनके घर पे मैयत होने वाली है, तो 3 दिन बचा है, देखती हूँ मैं 3 दिन में किसके घर पे मैयत होती है। मुझे पता है, लेकिन मैं जानती हूँ इन लोगों को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। उसके बाद 1 महीने में भी जो मेरे केशों के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे, उनके घर में भी उनका सुहाग उजड़ेगा, क्योंकि माँ का श्रृंगार रोका है, क्या कहा, माँ का, तो उनका सुहाग भी उजड़ेगा और उनकी कोख भी। मेरे को ये सब शौक नहीं है, ये उनका आदेश है। क्यों, ऐसे लोगों को सजा मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेशरम होते हैं, इनको शर्म नहीं है, है ना, तो इन लोगों को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। और मैंने यही कहा है, जो भी मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी शक्तियों को इग्नोर करते हैं, उनके लिए तो इससे बड़ी सज़ा नहीं, क्योंकि मेरा बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नरसिंह माता है खड़ी मेरे दरवाजे में, मेरा सुल्तान जिन खड़ा है, वो क्या सबक सिखाएगा वही जानते हैं। हाँ, अभी हाल ही में मुझे पता चला है, जहाँ मैं पहले रहती थी बंगलों में, गोराई में, जो पहले वाला बंगलो रहती थी,
वो बंगलो कोई खरीद रहा है, कोई टोकन दे चुका है। अरे पागल, जो भी वो घर खरीदेगा ना या जो घर बिकवाएगा वो अपनी मौत को दावत देगा। क्यों मालूम है? क्योंकि उस घर में से विद्या देवी निकली है, सारी शक्तियाँ हैं उस घर में। भूत प्रेत घर में जो जाएगा, वो घर में ऐसी नेगेटिविटी भरी है इस वक्त कि उस घर में जो भी रहेगा या जो भी उसे खरीदेगा, मतलब कहते हैं एक एक का मतलब घर सूट नहीं करता है, उस घर को वैसा कर दिया गया है। क्योंकि सीधी बात है ना, किसी को वादा करके किसी के साथ धोखा किया गया है, तो वो घर में जो भी रहेगा वो पूरी तरह से परेशान रहेगा, बीमारी से, पैसों से, काम से, हर तरह से। और जो भी उसको खरीदेगा वो भी आजीवन परेशान रहेगा। और दूसरी बात, जो उसको बिकवाएगा, जो एजेंट उस बीच में पड़ेगा, उसकी तो वो हालत होगी कि दोबारा उस ये घर बिकने के बाद वो कभी दलाली नहीं कर पाएगा, तो मतलब ज़िंदगी भर भिखारी बन के रहेगा। ये विद्या देवी का वचन है, करके देखो। मजाक लग रहा है ना, करके देखो। पहली बात तो घर बिकेगा नहीं, और गलती से कचड़े के भाव में अगर फ्री में बिक भी गया तो जो भी उसे खरीदेगा और जो सोच रहा है कि मैं बेच के जाके इस पैसे को यूज़ करूँगा, तो पैसा कोई काम आएगा नहीं। वो पैसा कहीं ना बीमारी में खर्चा हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ ना कुछ ना नुकसान ही होगा। बेचना भी नुकसान है, खरीदना भी नुकसान है, बिकवाने वाले के लिए भी नुकसान है, खरीदवाने वाले के लिए नुकसान है। सीधी बात है, नुकसान तो नुकसान है और वो नुकसान होगा, क्योंकि विद्या देवी से पंगा लिया तो थोड़ा तो भोगना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँगी? धोखे का बदला तो आप लोग धोखा पीछे से देते हो, विद्या देवी सामने से देती है, देखो क्या करती है। क्योंकि मैं पहले बात तो किसी के पीछे पड़ती नहीं हूँ, और अगर किसी के पीछे पड़ गई तो उसकी तो वो हालत करती हूँ जो शायद कोई नहीं करेगा। ये बात पक्की है, मेरा वादा है बस। क्योंकि ये जो भी बातें हुई है ना, वो सब मुझे याद है, उस बातों की माफ़ी नहीं है। और जो भी ये कोशिश करते हैं, जो मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, मैंने देखा है शक्तियों में बहुत सारे लोग मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, उनको भी सज़ा मिलेगी। अब उनकी सज़ा चालू है, अमावस्या से ही उनकी सज़ा चालू है, बैद्यनाथ धाम में पूजा चालू है, याद है ना। अभी तो केशव के पापा की भी आँखें खुलने वाली हैं, कौन कितने पानी में है सब पता चलेगा। और मैंने जो जो कहा है ना, जिसने मेरे केशव को आने से रोका है उसको तो बंस कभी मिलेगा ही नहीं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, ऐसा मत सोचिए कि केशव के पापा से मुझे डांट खिलवा देने से मैं अपना मुँह पे सरस्वती बैठी, अगर एक बार निकल गया निकल गया। बहुत शौक है ना गलत लोगों का साथ देने का, तो गलत लोगों का साथ देने का नतीजा यही होगा कि तुम जब खुद ज़िंदगी भर बच्चों के लिए तरसोगे, तब पता चलेगा कि किसी का साथ देने का नतीजा क्या होता है। ये बात है, गलत करोगे गलत मिलेगा। मेरी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं है। और अभी जो होने वाला ये लॉकडाउन नहीं आएगा, ये जो ओमिक्रॉन ये सब जो बताया जा रहा है बीमारी, ये हम नहीं आने देंगे। इतनी बड़ी पूजा चालू है देवघर में यार, बगलामुखी का पूजा चालू है, डेली मैं बैद्यनाथ का फ़ोटो क्यों डालती हूँ, क्यों दिखा रही हूँ पूजा हो रहा है, क्यों वहाँ इसलिए डाला जा रहा है कि अब कोई बीमारी नहीं आएगी बॉम्बे में, और आने ही नहीं देंगे। और ये जो फिर से जो षड्यंत्र रच रहे ना पॉलिटिक्स वाले, इन सब की बैंड बजेगी। अब देखो इनका क्या होता है, इन लोग अपनी मुक्की खाएंगे, कुछ होने ही नहीं देंगे हम। आप अपनी ताकत दिखाओ, हम अपनी ताकत दिखाते। पंडितों से तो अच्छे अच्छे देखो, मैंने पहले कहा है, पंडित, पुलिस और कहते ना डॉक्टर, इनसे कभी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि हम तुम लोग का नसीब बनाना भी जानते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं। डॉक्टर के हाथ में तुम्हारा शरीर रहता है, तुम्हें मार भी सकता है, जिंदा भी रख सकता है। पुलिस के हाथ में तुम्हारा केस रहता है, वो कुछ भी बना सकते हैं। तो बस मैं पंडित होकर अपनी ताकत दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि विद्या देवी भारद्वाज गोत्र की, कहते ना विंध्यवासिनी माँ की बेटी, क्या करके दिखाती है। बस मज़ा देखो। जय माता दी।